एक पद्मिनी में है वो, पद्मिनी रानी पद्मिनी अलादीन खिलजी अटैक कर रही है। पुरे सी देखो अपन देखते बच्चे अपन वो आते हैं नॉलेज मुक्त मैं लेता एकदम एंशिएंट हिस्ट्री है। वो सामने सीढ़ियां खड़ी ना वहाँ खड़ा किया रानी को और इधर कक्ष में अलाउद्दीन खिलजी को यूं और पानी के अंदर चेहरा दिखाया और पीछे सेनापति गोरा बादल खड़े थे ताकि पलट के ना देखे, पलट के देखे तो गर्दन काट दे। तो प्रासाद की दरवाजा किस तरफ था? शीशा यूं लगा हुआ था ऊंचाई पे। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अटैक किया, दरवाजा किस तरफ था? पीछे से आया था ना अलाउद्दीन खिलजी किले की बैक साइड से, तो कम्प्रोमाइज हुआ कि मुझे एक बार आपकी रानी का चेहरा दिखा दो, देखने के बाद में मैं अपनी सेना लेके दिल्ली वापस चला जाऊँगा। तो इस तरह से इस कक्ष के अंदर उसका चेहरा दिखाया रानी का, दिखाने के बाद में महाराज छोड़ने गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सूरजपोल गेट पे महाराज को बंदी बनाया। फिर रानी को खबर भेजी तो रानी ने बोला ठीक है मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ पर मेरे साथ मेरी दासी आएगी। दासियों के लिए 700 पालकियां मंगाई जिसमें घघरा चोली पहन के सैनिक लोग गए और युद्ध में वो भी मारे गए। फिर रानी ने जोर किया 13,000 औरतों के साथ, वो वहाँ पे उस जगह सीढ़ियों पर खड़ा किया था रानी को और पानी के अंदर चेहरा अल्लाह उद्दीन की जो